सुपेला गदा चौक के समीप की महीनों से जाम पड़ी नालियों को निगमायुक्त के निरीक्षण के बाद अधिकारियों को फटकार मिलने के बाद युद्ध स्तर पर टीम लगाकर साफ कर। पहली बारिश में शहर के वार्ड भ्रमण के दौरान निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के संज्ञान में आया कि गदा चौक सुपेला के पास की नाली की कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि नाली को साफ कर सुगम बनाएं। तब अधिकारियों ने पूरी नाली का निरीक्षण किया और देखा कि अतिक्रमण के चलते नाली की सफाई नहीं हो पा रही है। निगम आयुक्त के निर्देश के परिपालन में 2 JCB के माध्यम से वार्ड क्रमांक 15 सुपेला के समीप एवं वार्ड क्रमांक 16 अम्बेडकर नगर के नाली का सफाई कार्य प्रारंभ किया गया। इस दौरान नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। नाली पूरी तरीके से अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण की जद में आ गई थी। लोगों ने नाली के ऊपर स्लैब का निर्माण कर लिया था। JCB से अतिक्रमण हटाने के बाद स्वास्थ्य कर्मी की सहायता से नाली की सफाई वृहद रूप से 40 स्वास्थ्य कर्मियों की बदौलत की गई। सुपेला से गदा चौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर गदा चौक के ठीक दाहिनी ओर के मोहल्ले में लगभग 700 मीटर नाली पूरी तरीके से जाम हो गई थी। इस नाली को गैंग लगाकर सफाई कराने के बाद अब नाली में पानी निकासी सुगम हो गया है। देखिए, सुपेला गदा चौक के पास में काफी वर्षों से नाली की सफाई नहीं हुई थी। ऐसा नाली था जिसमें एक बूंद पानी से इधर उधर नहीं होता था। एक्चुअल में उस पानी में, उस नाली में जो है काफी समय से मलबा जमा हुआ था। कारण था अतिक्रमण, और जिसको देखते हुए जब आयुक्त महोदय वार्ड क्षेत्र में पहली बारिश में इसके निरीक्षण पे थे कि कहाँ कहाँ पे कैसी स्थितियाँ हैं अभी वर्तमान में, तो उस दौरान में ये संज्ञान में आया कि गदा चौक के पास जो है वो वहाँ पर का जो नाली है वो काफ़ी लंबे समय से जाम है और अतिक्रमण की वजह से जाम है। अधिकारियों को उन्होंने निरीक्षण निर्देश भी दिए थे। जब अधिकारी निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपा, उसके बाद आयुक्त महोदय स्वयं खड़े होकर के 2 JCB के माध्यम से और डंपर के माध्यम से जो है नाली सफाई का काम करवाए हैं, और मैनुअली जो है जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो मैनुअली साफ करते हुए लगभग जो 500 मीटर से 700 मीटर का जो नाली था उसको साफ करने का काम किया है। अब इस बारिश में उस जो क्षेत्र है उनको राहत मिलेगी, वहां के रहवासियों को नाली सुगमता से बाहर निकली। अतिक्रमण के चलते नाली इतनी जाम हो गई थी कि एक बूंद पानी भी इधर से उधर जाना नामुमकिन था, परंतु आयुक्त प्रकाश शर्मा ने स्वयं खड़े होकर नाली को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सफाई कराई। बारिश के दिनों में आसपास के रहवासियों को जल भराव से निजात मिलेगा। वहीं गदा चौक पर नाली साफ नहीं होने के कारण जल जमाव की स्थिति जो निर्मित हो रही थी वह इस बारिश में नहीं होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।